हम आपके लिए लेके आए हैं सच्चा हिंदुस्तान। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 44वीं राष्ट्रीय राइफल के कुछ निवासी जवान औरंगजेब की हत्या को अगवा करने के 12 घंटे के बाद आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। देर रात उनका शव अपहरण स्थल के 8 किलोमीटर दूर पुलवामा में गुस्सु गांव में बरामद हुआ। जवान के सिर और पैर के कई उंगलियों पैर पर कई गोलियां मारी गई थी। आतंकियों ने बर्बरता दिखाते हुए उनके चेहरे को भी क्षत विक्षत कर दिया था। 30 अप्रैल 2018 को में औरंगजेब शामिल थे। मेजर रोहित ने इस एनकाउंटर के बाद औरंगजेब को हीरो बताया था। समीर टाइगर ने 2016 हिजबुल ज्वाइन किया था। उसे हिजबुल अपने पोस्टर बॉय के तौर पर पेश करता था। उनकी मौत से हिजबुल बोखला उठा था। समीर ने आतंकी वसीम के जनाने में भी शामिल होकर मीडिया को सुर्खियों में आने के लिए फायरिंग की। औरंगजेब गुरुवार को ईद की छुट्टियां मनाने कुछ स्थित अपने घर जा रहे थे। वो शादी मार्ग स्थित अपने कैंप में से एक जवान के साथ निकले। सड़क पर उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी को हाथ देकर रुकने का इशारा किया और शौकियों तक छोड़ने की बात। करीब 10 बजे गाड़ी पुलवामा जिले में कलमपोरा के पास पहुंची। यहां सड़क पर पहले से करीब 5 आतंकी हथियारों के साथ रास्ता रोककर खड़े थे। यहां से वो औरंगजेब को अगवा कर अपने साथ ले गए। औरंगजेब को अगवा करने की खबर मिलते ही सेना के पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। पुलवामा के हर गांव में सेना ने गहन छानबीन की, लेकिन जवान का कोई पता नहीं चला। इस दौरान द्रवगांव में सेना की सर्चिंग टीम पर जमकर पत्थरबाजी हो रही। पत्थरबाज सेना के ऑपरेशन से खलल डालना चाहते थे, लेकिन जब सेना ने लाठियां चलानी स्टार्ट की तो पत्थरबाज भाग खड़े हुए। देर रात तक सेना जवान की तलाश कर रही थी कि गेसु गांव में औरंगजेब की मिलने की खबर। औरंगजेब भारतीय सेना के जवान औरंगजेब को अगवा करने के 12 घंटे तक आतंकवादियों ने मार दिया। उसके शव की बीती की बर्बरता हो गई।